गुस्सा किसके ऊपर आता है? सभी के ऊपर। अभी तो मेरे पर तो नहीं आया, आपको आया? हाँ, ये हमारा कुछ कारण के वजह से गुस्सा होता है। हमारा कुछ कोई सुनेगा नहीं तो गुस्सा आएगा, हमारे लिए नेगेटिव बोलेगा तो गुस्सा आएगा, हमारी मनमानी नहीं करेगा तो गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आता है, हम करते नहीं हैं। तो गुस्सा के कारण क्या है वो देखो, कारण के वजह से ये गुस्सा परिणाम होता है। कारण को दो डालोगे तो परिणाम बंद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बताओ, घर में ये था, एसी था, तो मैं पलंग पे सोया था, मैं चालू किया तो इधर दिखाता है क्या, उधर रिस्पॉन्स नहीं बताता। बाद में ऊंचा किया हाथ तो भी नहीं आया, मैं नज़दीक किया तब रिस्पॉन्स आया, टिंग टिंग। तो मैं समझ गया पावर कम है इसका, इसके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो मैंने नज़दीक जाके उसको ऑन किया तब एसी ऑन हुआ। तो ये आदमी को भी नहीं समझता है, तो हमारी समझाने की शक्ति कम है। बर्तन में हम 20 लीटर दूध नाके डाले तो गिर जाएगा, तो किसका गलती, बर्तन की गलती कि हमारी गलती? हमारी। हाँ, तो नहीं समझता है तो उसकी कैपेसिटी 10 की है, और हम 25 बात बताने जाएंगे तो नहीं समझेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप समझाओगे तो समझेगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो कारण को सुधारो तो क्रोध चले जाएगा। अभी कारण नहीं समझ में आते हैं तो दो उपाय है, एक तो दादाजी की क्रोध की किताब भी है, ज़रूर पढ़ो। और दूसरे, क्रोध जब भी हुआ किसी को माफ़ी मांगते रहोगे, मुझे इच्छा नहीं है किसी को दुख देने की, हो गया, मैं दिल से पश्चाताप करती हूँ, मुझे क्षमा करो। ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। मुझे सुझाव दो कैसे व्यवहार करना, किसी को दुख न पहुँचे। तो धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी। हुआ है मुंबई वासियों का पुण्योदय और मनाए जा रहे हैं 2 अति महत्वपूर्ण महोत्सव एक साथ, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और 112वां जन्म जयंती महोत्सव। त्रिमंदिर का स्थल है ऋषिवन, अभिनव नगर रोड, काजूपाड़ा, बोरीवली ईस्ट, मुंबई, और चिकुवाड़ी प्लेग्राउंड, कांति पार्क रोड, सेंट रॉक्स कॉलेज के सामने, बोरीवली वेस्ट में सर्जन होगा एक भव्य आनंद नगरी का। आप सभी को सहपरिवार पधारने के लिए भावपूर्ण निमंत्रण है। जय सच्चिदानंद।